गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि कॉलेज के वजह से बहुत बिजी रहती थी और फिर घर भी चल गई थी, सेमेस्टर ऑफ मिला था तो। बट मुझे ऐसा लगा कि चलो आज से ब्लॉग बनाया जाए क्योंकि अभी थोड़ा प्रैक्टिकल वगैरह नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं अपने रूम पे भी रह रही हूँ, मतलब जहाँ पे मैं कॉलेज करती हूँ वहाँ पे मैं रूम पे रहती हूँ, तो अभी मैं अकेली रहती हूँ तो फ्री रहती हूँ, तो सोची चलो आज से ब्लॉग बनाया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं सो के उठी हूँ और सो के उठ गई हूँ, 9 बज गया तो मैं जल्दी जल्दी उठी। और फिर कल शिवरात्रि है तो कल मुझे फास्टिंग भी रखना है, तो आज अच्छे से खाना पीना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर चाय बनाने का के लिए दूध चढ़ाया हुआ है और यहाँ मैंने अदरक कूट के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब मैं जाती हूँ चाय बनाने, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने अदरक कूट लिया है, मैं अदरक डाल देती हूँ चाय में, मेरे को अदरक वाला चाय बहुत अच्छा लगता है। और ये चाय पत्ती और चीनी मैं डाल चुकी हूँ, तो अब मैं अदरक वाली चाय बनाऊँगी और उसके साथ टोस्ट खाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये मेरा चाय बन गया है देखिए, और मैं चाय के साथ पहले मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा खा लेती हूँ क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, तो मैं पहले ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद मैं टोस्ट खाती हूँ और मिक्सचर चाय मिक्स करके उसके बाद मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, तो मेरा नाश्ता हो गया। और कभी कभी मैं रोटी भी खाती हूँ, तो आज रोटी मैंने बनाया नहीं था इसीलिए, क्योंकि रात को नान बनाया था मैंने, तो नान कौन ही खाता है सुबह चाय में, तो इसीलिए आज ये नाश्ता करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद आपसे। फ्रेंड्स मैं चाय वाय पी ली हूँ और अब मैं अपने रूम के बाहर निकली। देखिए ये है मेरा रूम के बाहर, यहाँ सारा पीछे मेरे कॉलेज का ही स्टूडेंट लोग रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं। फ्रेंड्स ये हम अपने रूम के बाहर थोड़ा सा प्लांट्स लगाए, ये फ्लावर है, ये तुलसी है और ये देखिए ये पुदीना लगाया, कितना अच्छा गमला में हो गया। वो धनिया है, ये पुदीना है और ये पूरा पुदीना लगाया, देख रहे हैं कितना अच्छा हो गया। बस ऐसे ही लगा दिए थे बट ये तो हो गया, दिख रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, मतलब कॉलेज जाने में भी टाइम है तो अब जा रहे हैं खाना बनाने। तो कल मैंने लिया था ये सोजीना, आपके इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, कोई मुनगा सुट्ठी बोलता है कोई सोजीना, तो ये सोजीना मैंने लिया था 1 पाव, तो इसको छील लिया है, धो लिया है। सोजीना आलू की सब्जी बनाऊँगी, लेकिन सरसों वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो खूब सारे टमाटर मैंने काट लिया क्योंकि मुझे खट्टी खट्टी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ये लहसुन मिर्चा को पीसना है और इसमें सिर्फ लहसुन मिर्चा और सोजीना डालते हैं। और फ्रेंड्स ये है सरसों को हम पहले ही पीस लिए, मेरे को ऐसे ड्राई सरसों पीसा हुआ बहुत अच्छा लगता है, ये सरसों को हम थोड़ा ड्राई करके पीस लिए है और वो लहसुन मिर्चा को पीसेंगे उसके बाद बनाते हैं, आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ ये धनिया पत्ता का चटनी बनाने, ये धनिया पत्ता है, ये टमाटर है, लहसुन और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, तो जा रही हूँ मैं चटनी बनाने क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ मार्केट लगता है ना, तो यहाँ धनिया पत्ता बहुत दे देता है। देखिए 10 रुपये का धनिया पत्ता, ये इससे मैंने आधा यूज़ किया, इससे मैंने आधा यूज़ किया और ये पूरा एक बंडल, तो इतना धनिया पत्ता का क्या ही करेंगे, तो उसका रोज़ चटनी बना के खाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये मेरा चटनी बन के रेडी हो गया धनिया पत्ता का, और अब मेरा यहाँ पर चावल चढ़ा हुआ है और अब मैं जा रही हूँ ये सब्जी बनाने के लिए, तो बनाते हैं फिर आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ मैं कि मैं कैसे बनाती हूँ सब्जी। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये सब्जी के लिए पहले आपको क्या करना है, कढ़ाई में सरसों तेल देना है, देखिए मैंने सरसों तेल दिया हुआ, और उसमें ये आलू पूरा डीप फ्राई कर लेना है। जब ये आलू पूरा डीप फ्राई हो जाएगा उसके बाद ये सोजीना को डीप फ्राई कर लेना है, तो इसे मैं डीप फ्राई करती हूँ फ्रेंड्स, ये डीप फ्राई हो जाएगा ना तब बहुत टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा आलू हो रहा है फ्राई। फ्रेंड्स आपको मैं नहीं दिख रही होंगी क्योंकि मैंने ट्राइपॉड में कैमरा को फंसा दिया है और यहाँ पे खाना बना रही हूँ। इधर मेरा चावल भी बन रहा है फ्रेंड्स, और ये मैं हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरा आलू अच्छे से फ्राई हो गया, पूरा कड़ा हो गया,
अब इसको निकाल लेंगे फ्रेंड्स, डीप फ्राई हो गया मेरा आलू। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा आलू यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है, दिख रहा है आप लोग को? देखिए मेरा आलू अच्छे से फ्राई हो गया। अब इस बचे हुए तेल में मैं जा रही हूँ सुजीना को फ्राई कर लेने। देखिए फ्रेंड्स अब इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये फ्राई हो रहा है, ये अच्छे से थोड़ा लाल हो जाएगा ना तब इसको निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये फ्राई हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लाल होने लगा, दिख रहा है आप लोग को? देखिए बस अब इसको भी निकाल लेना है, उसके बाद हम अपना मसाला को भून लेंगे। देखिए ये सोजीना भी अच्छे से फ्राई हो गया, पूरा लाल करके मैंने इसको फ्राई कर लिया। आलू को भी फ्राई कर लिया हो, आलू को भी मैं फ्राई कर ली हूँ। और अब जा रही हूँ, ये तेल गरम हो गया, अब इसमें ये लहसुन मिर्चा का पेस्ट को पहले डालेंगे, इसको थोड़ा भूंज लेंगे, उसके बाद ये टमाटर डालेंगे, फिर ये सरसों डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये तेल गरम हो गया था तो मैंने इसमें लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाल दिया। पहले ये लहसुन मिर्चा को अच्छे से भूंज लेंगे, क्योंकि सरसों ज़्यादा भूनने से ना कड़वा लगने लगता है, और लहसुन मिर्चा अगर अच्छे से नहीं भूंजेंगे तो लहसुन मिर्चा का पेस्ट मतलब थोड़ा स्मेल करेगा, लहसुन का कच्चापन आ जाएगा। तो जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद टमाटर डालेंगे, उसको 5 मिनट पहले फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये फ्राई हो गया, अब इसमें टमाटर डाल दिए। अब ये टमाटर जब तक गलेगा नहीं तब तक पकाते हैं, उसके बाद सरसों डालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ा पक रहा है, अब इसमें हम लोग स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे कि ये थोड़ा गल भी जाए, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। बस अब इसको थोड़ा पकने देते हैं, ये मसाला का स्मेल चल जाएगा, उसके बाद फिर हल्दी डालेंगे, फिर सरसों डालेंगे। ये फ्रेंड्स मैंने एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि मेरे को थोड़ा तीखा अच्छा लगता है, पर ये आप पे डिपेंड करता है, डालो कि नहीं डालो। देखिए नमक डालने के बाद टमाटर गलने लगा, बस ये गल जाएगा, अब बाकी का मसाला डालेंगे। अब फ्रेंड्स इसमें हल्दी डाल देते हैं, हल्दी थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से पक गया, टमाटर भी गल गया, लहसुन मिर्चा भी पक गया, इसका स्मेल उड़ गया। अब ये जो सरसों पीसे थे ना, आप इसको डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग तो सरसों वाला बना रहे हैं ना सुजीना। मेरे को सरसों बहुत अच्छा लगता है, सरसों वाला सब्जी। आपको कैसा लगता है बताइएगा। अब इसको 5 मिनट फ्राई करते हैं, ये मसाला फ्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर ग्रेवी डाल के फिर सब्जी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये मसाला लगभग पक ही गया है, क्योंकि ये कढ़ाई मतलब छोड़ दिया है, मसाला पूरा हल्का हो गया है, थोड़ा थोड़ा ऑयल भी सेपरेट होने लगा। तो मैंने इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाला है, फ्रेश धनिया था, तो मेरे को धनिया पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारा डाला, और ये सब्जी बनने के बाद डालेंगे। तो अब ये मसाला फ्राई हो गया, अब इसमें ग्रेवी डाल के आलू और सुजीना डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये पक गया है, अब इसमें ग्रेवी डालते हैं। अब इसमें ये ग्रेवी डाल देते हैं, अब ये अच्छे से खोल जाएगा ना फ्रेंड्स, उसके बाद
ये आलू और सोजीना डाल देंगे और इसको पकने तक सीजने देंगे। तो फ्रेंड्स ये डाल के आपसे मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये ग्रेवी डाल दी है, अब इसमें ये जब तक उबाल आएगा पकेगा तब तक इसको ढक देते हैं। फ्रेंड्स देखिए मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है, ये सोजीना आलू की सब्जी। और अब मैं जाती हूँ नहा धो लेती हूँ, फिर खाना खाऊंगी। फ्रेंड्स आप ऐसे करके सब्जी बनाना एक बार खा के देखना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम मछली जैसा लगेगा, खा के देखना आप लोग भी। फ्रेंड्स इसी को लगाएंगे गार्नियर नेचुरल, ये बरगंडी है, मेरे को थोड़ा रेड बाल अच्छा लगता है, जाती हूँ कलर करने, आज बहुत दिन बाद कलर करूँगी। फ्रेंड्स ये हेयर कलर को निकाल लिया, अब इसको मिक्स करके लगा लेते हैं। फ्रेंड्स मेरा खाना बन के हो चुका है रेडी, अब मैं जा रही हूँ आज अपना हेयर कलर करने, क्योंकि अभी कॉलेज जाने में टाइम है, अभी लगभग 1-2 घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि हेयर कलर कर लूँ, क्योंकि देखिए ना मेरा बाल बहुत रफ हो गया है, तो हेयर कलर करके फिर नहा लेती हूँ, फिर खाना खाऊँगी। देखिए ये मैंने हेयर कलर लगा लिया, जो हेयर कलर रखा था, तो अब मैं जाती हूँ फट से नहाने, नहा के आती हूँ, उसके बाद खाना खा के कॉलेज निकलूँगी। फ्रेंड्स मैं नहा धोवा के आ गई हूँ, देखिए हेयर कलर किया था तो हेयर कलर को धो लिया, अभी बाल भीगा हुआ है, अभी जा रहे खाना खाने क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। नहा धोवा के फ्रेश हो गए, अब खा लेते हैं फिर कॉलेज निकलेंगे। देखिए ये बनाया था मैंने चावल चटनी और ये सोजीना का सब्जी, अब खाती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं खाती हूँ, फ्रेंड्स बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी, इतना यम लग रहा है ना, आप लोग भी ऐसे बना के खाना, बहुत टेस्टी है।